नूरपुर की पंचायत कमनाला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला डगर स्कूल के बच्चे खौफ के साए में पढ़ रहे हैं। गांव के लोगों ने स्कूल के लिए जगह दान में दी थी और सोचा था कि उनके बच्चे गांव में ही पढ़ेंगे। अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि खौफ के कारण स्कूल में सिर्फ 6 ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसका कारण स्कूल का भवन जो कि कभी भी गिर सकता है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसमें बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। ऐसा लगता है कि प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है और किसी भी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। गांव के राकेश कुमार ने बताया कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढंगर का भवन गिरने की कागार पर है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में इसकी शिकायत डाली थी, लेकिन 2 माह बाद जवाब आता है कि आपकी शिकायत को बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। सरकार से मांग की है कि जब सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की थी तो शिकायत का समाधान भी करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सरकार ने सेवा तो शुरू की है और जमीनी स्तर पर भी कुछ भी नहीं है। राकेश कुमार ने कहा कि स्कूल कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। पूर्व बाढ़ सदस्य रेखा देवी ने बताया कि इस स्कूल के लिए गांव वालों ने जगह दान की थी ताकि हमारे बच्चे यही गांव में पढ़े, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। भवन की शिकायत काफी बार हो चुकी है। मौके पर एसडीएम नूरपुर व विधायक आ चुके हैं। रेखा देवी ने कहा कि अगर कल कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। मंडी जिला के तहत नाचन विधानसभा क्षेत्र के महादेव में पांडवों के अज्ञात वास का गवाह और प्राचीन शंभूनाथ शिव मंदिर में देर रात चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए करीब 10 लाख रुपए की चांदी व तकरीबन 25,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने रात तक करीबन 1 बजे वारदात को अंजाम देते हुए चांदी की ज्वेलरी, चांदी का त्रिशूल व चांदी की शेषनाग प्रतिमा व 2 दान पात्र के ताले तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना का पता सुबह केस में चला। जब स्थानीय निवासी नंदलाल वर्मा मंदिर में पूजा हेतु करने आए तो देखा कि मुख्य दरवाजे व दान पात्रों ताले टूटे हुए थे और चांदी का सामान गायब पाया था, जिस पर उन्होंने मंदिर कमेटी व अन्य लोगों को सूचित किया। बीएसएल पुलिस थाना प्रभारी प्रकाश चंद मिश्रा की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगाले, जिसमें 2 चोर वारदात को अंजाम देते नजर आए। पुलिस छानबीन में जुटी है। इस दौरान कुछ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा एक स्कूटी और नीले रंग का वाहन यहां पर देखा और ये चोर पहले मंदिर से आगे जाते हैं और फिर उसके बाद फिर वापस आते हैं। इससे पहले भी जिला के कई प्राचीन मंदिरों में चोर चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें से कई घटनाओं का पुलिस पर्दाफाश कर चुकी है। वही कुछ मंदिर ऐसे भी है जहाँ हुई चोरी की घटनाओं का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मंडी के वीर सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदार राम की 134वीं जयंती पर कृतिक मंडी वासियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस उपलक्ष्य पर मंडी की इंदिरा मार्केट स्थित भाई हिरदार राम स्मारक में आयोजित समारोह में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस गरिमापूर्ण समारोह में हिरदार राम स्मारक समिति और उनके परिजनों, नगर परिषद मंडी के अध्यक्ष सुमन ठाकुर व पार्षदों, बीएचपी के जिला अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू व अन्य पदाधिकारियों, इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन के प्रधान अशोक शर्मा सहित बड़ी संख्या में मंडी वासियों ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। हिरदार राम स्मारक समिति के सचिव एवं वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण कुमार नूतन ने उनके जीवन व कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि क्रांतिकारी हिरदार राम ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों की अनेक यातनाएं हंसते हंसते सही हैं। मंडी में गदर पार्टी की स्थापना और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाने में उनका योगदान अभी स्मरणीय है। कृष्ण कुमार नूतन ने बताया, हिरदार राम काला पानी में आजीवन कारावास की सजा भुगते हुए स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के साथ
जेल में रहे। एक बार उन्होंने देखा कि हथकड़ी और बीड़ियों में जकड़े वीर सावरकर को कोड़ों से पीटा जा रहा है। उन्होंने इसका विरोध किया। इस पर उन्हें 40 दिन तक 5 फीट के एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। 21 अगस्त 1965 को हृदयराम का देहांत हुआ था। जिला सिरमौर के मरयोग में एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसा उसमें हुआ जब बस जुन्गा से बारात लेकर दाड़ो देवरिया से जा रही थी। जैसे ही बस मरयोग से दाड़ो देवरिया वाली सड़क पर करीब 1 किलोमीटर दूर पहुंची, तो ये बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और इसमें सवार यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से खाई से बाहर निकाला गया और निजी वाहनों में डालकर सोलन अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों का पता लगा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बारात की बस अचानक खाई में गिर गई और उन्हें लोगों की मदद से खाई से बाहर निकाला और निजी गाड़ियों के जरिए सोलन अस्पताल पहुँचाया गया। वही इस बारे में डीएसपी नाहन परमदीप ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में सभी सुरक्षित हैं। करीबन 20 घायल यात्रियों को सोलन अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। उन्होंने बताया कि घटना किन कारणों से हुई है उसकी जांच की जा रही है। इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है।